अगर आप भी इसे देखकर चौंक रहे हैं तो भाई चौंकिए नहीं, आज इस रहस्य से पर्दा उठने वाला है। भाई ये जादूगर इसे करते कैसे हैं? आखिर जादूगर अपनी जीव में सुई कहां से डालते हैं और ये भाई इनकी जीव में कैसे घुस जाती है और उनको कुछ होता क्यों नहीं, उनको दर्द क्यों नहीं होता? आज भाई इस रहस्य से पर्दा उठने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और आपको इसके बारे में बहुत ही ज्यादा बेहतरीन जानकारी मिलने वाली है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आप सोचते होंगे कि भाई जादूगर के पास कोई जादुई शक्ति होगी या कोई मायावी शक्ति होगी जिससे वो अपनी जीभ में इस तरह की पिन या सुई घुसा लेता है, तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। जादूगर इसे एक ट्रिक से करता है और लोगों को देखने वालों को लगता है भाई यहाँ पर इसने कोई बड़ा जादू किया है, इसके जीभ में सुई घुस गई। ऐसा कुछ भी नहीं है, आज इस रहस्य से पर्दा उठने वाला है, तो वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिए तभी आपको समझ में आएगा आखिर जादूगर इसको करते कैसे। पहले आप थोड़ी यह वीडियो देखिए कैसे कर रहा है, फिर मैं आपको इसका रहस्य बताता हूँ। वैसे चैनल को भी अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। भाई तो जादूगर इसको कैसे करते हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर यह जादूगर अपनी जीव में निडल डाल लेता है और उसको आर पार कर देता है। भाई यहाँ पर एक आप देखकर चौंक रहे तो चौंक ही नहीं। दरअसल दोस्तों जादूगर करता क्या है, वो जो जीव में डालता है भाई वो उसकी जीव तो होती नहीं है। अरे कहना क्या चाहते हो, तो चौंक गए ना आप, और मैं आपको इसके बारे में और ज्यादा रोचक जानकारी देने वाला। भाई जो अपने मुंह से वह जीभ निकालकर बाहर उसमें निडल डालता है वह जीभ जादूगर की नहीं होती, वह एक तरह की नकली जीभ होती है जिसमें वह निडल को घुसाता है। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो क्रेजी एक्स वाई जेड की यह वीडियो देखिए, आपको पूरा यकीन हो जाएगा। गाइस ये थी एक नकली जीभ जिसको मैंने अपने मुंह में रखा था और जो सुई है वो एक्चुअली में इसके आर पार ही गई है, लेकिन मेरी जो असली जीभ है वो तो यहाँ पर छुपी। ये जो है नकली जीभ थी, दिखती एकदम जीभ की तरह है। ये बड़ी अच्छी बात कही है।